सिनेमा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा, देश प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रामपुर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार कर दिया। कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153, 555 और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भाजपा को कूड़े के मुद्दे पर घेरने के लिए गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। इससे पहले दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं और आप कार्यकर्ता गुरुवार को गाजीपुर में आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुश्ती के राष्ट्रीय खिलाड़ी की हत्या, 8 सेकंड में 2 बार फोड़ा अरुण का सिर। सामने आया रूह कपाने वाला एक वीडियो। राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी अरुण उर्फ वरुण की हत्या करने वाले युवक राजपुर गांव के हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को देखकर उनकी पहचान कर ली। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। वीडियो वायरल में वे 8 सेकंड के भीतर ही 2 बार अरुण के सिर पर ईंट से प्रहार करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्हें सड़क पर गिराकर लात और घूंसे मारे गए। इसके बाद सड़क से ही एक युवक ने ईंट उठाया और सर में दे मारी। अगले ही क्षण उसने दूसरी बार प्रहार किया। अरुण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में इंसान ही नहीं, 9 गुलदार भी भुगत रहे हैं उम्र कैद की सजा। आपको शायद सुनकर अजीब जरूर लगे कि जानवरों को भी उम्र कैद की सजा हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि हरिद्वार के समीप चिड़ियापुर स्थित रेस्क्यू और पुनर्वास सेंटर में ऐसे ही 9 गुलदार हैं जो ताउम्र वहीं रहेंगे। उनके आगे की उम्र वहीं गुजरेगी। अब ना वो जंगल देख सकेंगे और ना ही आजादी से घूम सकेंगे। इनको वहां पिंजरों में कैद कर रख दिया गया। दुनिया भर में आतंकवादी घटनाओं के लिए कुख्यात पाकिस्तान भारत में भी नापाक हरकतें करने की कोशिश करता रहता है। कभी आतंकियों को ट्रेनिंग देता है तो कभी भारत में ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। लेकिन अब LOC पर ड्रोन निगरानी से निपटने के लिए सेना ने क्वाड कैप्टर और 2 जैमर भी लगाए हैं। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी मैप को।